नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 17th of December डेटा एनालिसिस की वीडियो में। डेटा को रीड करने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे 20th of December मंडे के लिए, ठीक है। तो आइए उसको शुरू करने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर ये है, मैं कोई सेबी रिस्क एनालिस्ट नहीं हूँ और ये जो डेटा की रीडिंग कर रहा हूँ अपना एजुकेशनल पर्पज़ की उससे कर रहा हूँ और आपको अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ एज पर स्मार्ट मनी की पोजिशन कि डेटा बेयरिश है कि डेटा बुलिश है। इसके बेस पे अगर आप बाई सेल करते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का ज़रूर सलाह लें जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो, क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस का मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। आइए डेटा को डिकोड करने की इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि भैया क्या करके गई हैं जो शतरंज के कैरम बोर्ड के चारों खिलाड़ी हैं, ये क्या करके गए। तो क्लाइंट को देखते हैं, क्लाइंट जो स्टॉक फ्यूचर काफ़ी दिनों से बाई करते हुए जा रहे थे, इन्होंने कुछ निकाले आज तो ये थोड़ी अलग चाल है। इंडेक्स फ्यूचर भी बाई करते जा रहे थे तो ये भी कुछ सेल किए हैं। हाँ, कॉल अच्छी खासी बाई कर ली है अगले हफ्ते के लिए और काफ़ी बड़ी वॉल्यूम में बाई की, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट बाई में पुट राइट किया तो मतलब बुलिश हो गए। तो बेसिकली देखा जाए, वॉल्यूम अगर देखी जाए कॉल एंड पुट की तो ये बुलिश है, ये चाहे भले ही बेयरिश हो ऊपर की दोनों चीज़ें, बट जितनी वॉल्यूम है कॉल एंड पुट के डेटा में वो इनकी बुलिशनेस को दिखा रहा है। FIs ने थोड़ी सी रोकथाम लगाई है अपने स्टॉक फ्यूचर की बाइंग में, कुछ बाई किया है बट वो नेग्लिजिबल ही है। इंडेक्स फ्यूचर निकाले हैं, पहले से निकालते आ रहे हैं ये, और कॉल इन्होंने अच्छी खासी राइट की है ठीक ठाक वॉल्यूम में, ठीक है वॉल्यूम, और यही सप्लाई इन्होंने ये पार्टी को भी करी होगी, क्लाइंट को, लो भाई तुम बाई करो हम बेच रहे हैं। चलिए पुट इन्होंने भी निकाली है कुछ, ये बाई करनी चाहिए थी यार इनको पुट, फिर इनको दी किसने। चलिए तो न्यूट्रल कहूँगा मैं इस डेटा को, FI के डेटा को मैं थोड़ा न्यूट्रल कहूँगा, ना बुलिश कहूँगा ना बेयरिश कहूँगा, नेट बेसिस पे देखते हैं क्या मौजूद रहेगा। प्रोज प्रॉपर बेयरिश गए हैं, ये देखिए कॉल कितनी राइट करके गए, पुट बाई करके गए, तो बेसिकली क्लाइंट को जो पुट दी है वो बेची है प्रोज ने, ठीक है, मतलब इन्होंने खरीदी है और क्लाइंट ने वही राइट की है, ये चक्कर है, और उतनी ही कुछ FIs ने भी राइट किया। ओके DIs, अरे DIs का पार्टिसिपेशन वाह भाई वाह, बड़ा है भाई कुछ, नहीं तो यहाँ तो जीरो जीरो पुट राइट करके गए हैं, वाह भाई वाह। स्टॉक फ्यूचर बाई करके गए, इंडेक्स फ्यूचर भी थोड़ा बहुत बाई किया, थोड़ी बहुत कॉल बाई की है, बट बेसिकली इसका कुछ कह नहीं सकते, प्रॉपर हैज फंडिंग होते हैं, कैश की जो बाइंग और सेलिंग होती है उससे इस चीज़ को हैज करके चलते हैं। चलिए आइए नेट बेसिस जो अपनी असल चीज़ें जहाँ मौजूद हैं उसको एक बार जानने की कोशिश करते हैं। क्लाइंट हल्के हो गए हैं पहले से कुछ, 54, 45, 39 कि भैया मार्केट नीचे गिर रहा है हल्का हो थोड़ा सा। FIs भी 21 से 30 हुए, 30 से दोबारा 25 हुए, और प्रोज सेल में चल रहे थे तो ये प्लस में आए, तो ये डेटा जैसा था वैसा का वैसा ही, इसमें कुछ खास कोई मेजर चेंजेस नहीं है, तो ये न्यूट्रल है, यहाँ से कोई अपने को ज़्यादा डायरेक्शन नहीं मिल रही अगले के लिए। कॉल के डेटा को देखते हैं तो 121.17 हुए एक्सपायर हुआ डेटा, बट आज फिर से बिल्डअप कर लिया इन्होंने 129, वहीं है FI ने 118 से सीधा 74 आ गए, चलिए घटाया इसका मतलब, और ये देखिए 231.136 -205, तो यहाँ से तो प्रॉपर बेयरिशनेस दिख रही है, प्रॉपर बेयरिशनेस दिख रही है। निफ्टी को, बैंक निफ्टी को हल्का सा और गिरना चाहिए एज पर कॉल का जो डेटा है, बट अभी आगे भी बाकी है चीज़ें उसको देखते हैं। ये देखिए फिर 4,28,000 हो गए, मतलब पूरे बुलबुले मिसबिल हो गए कि भाई हम तो ना मानेंगे, गिराते रहो जितना मार्केट गिरना है, मतलब देखिए 17,000 का लेवल टूट गया बट फिर भी पुट राइट करे बिना मान नहीं रहे, वाह भाई वाह। वहीं FIs की 3,00,000 प्लस पुट अभी भी हैं और प्रोज ने भी पुट बाइंग की है, ये देखिए 12,062, तो यहाँ से तो प्रॉपर बेरिशनेस आ रही है, कम से कम 200 पॉइंट की गिरावट की ओर ये डेटा को देख के। वहीं हम बात करें स्टॉक फ्यूचर की तो FI ने तो घटाई ही है, हालांकि कुछ इन्होंने ऐड भी किए हैं, बट फिर भी पीछे के टाइम को देखते हुए 1,30,000 से 70,000 के करीब बचे हुए, तो यहाँ से भी अभी कोई इतनी खास इंडिकेशन है नहीं, तो डेटा मैं कहूँगा बेयरिश है
लगभग 150 से 200 पॉइंट और गिरने चाहिए, खासतौर पे कॉल एंड पुट का डेटा को देखते हैं। बट ऐसा डेटा पहले भी बहुत बार आया और मार्केट उसके उल्टे चल देता है। तो मार्केट उसके उल्टे चल रहा है ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको ऐसे पता लगेगा, निफ्टी अगर 17,026, नोट कर लीजिए इस लेवल को, 17,026 के ऊपर चलता है, ये डेटा को आप अपनी याददाश्त में से भी निकाल देना कि आपने इस डेटा को देखा है। बिल्कुल ये बिल्कुल भूल जाइएगा। अगर आप इस डेटा के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो स्क्रीन पे 17,026 क्रॉस होता हुआ दिखता है, देन डोंट प्लेस दिस डेटा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर 35,880, नोट करिए जो मैं लेवल बोल रहा हूँ, 35,880 इस लेवल के ऊपर अगर जाता हुआ दिखता है, हाल तो आप 35,800 ही ले लीजिए क्योंकि 680 की क्लोजिंग है, 35,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखता है तब भी आपको ये डेटा के ऊपर प्ले बिल्कुल नहीं करना। इसके नीचे रहेगा तो ही डेटा वैलिड है, अदरवाइज़ आपको गाजर दिखाई जा रही है, ये जो जितना भी दिखाया जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जैसे पहले भी कई बार बनाया है, ठीक है। बट अपना काम है रीड करना और एनालिसिस करना और डेटा को दिमाग में रखना जब वो आपकी एनालिसिस की डायरेक्शन में जाए। तो नीचे की तरफ निफ्टी रहता है तो बाकायदा इसको 150-200 पॉइंट के लिए दिमाग में रखिए और ठोकिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी को भी यहाँ से 400-500 पॉइंट अपनी दिमाग में रखिए और सेल करिए। बट जो मैंने बोले हैं लेवल उनके ऊपर चलता है निफ्टी बैंक निफ्टी, देन डोंट प्ले दिस डेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।